ड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज मयूरी कश्यप बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम ऑप्टिमस मेडिकल इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना आज की क्लास में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल ये जो टॉपिक है ये पूरे इकोलॉजी सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इकोलॉजी सेक्शन में किसी टॉपिक से आया है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है बट पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स देखते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला देखा था उसे अगेन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के बारे में पॉपुलेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन सो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला था पॉपुलेशन डेंसिटी देन हमने देखा था एज रेशियो पिरामिड एंड नेक्स्ट हमने देखा था नेटालिटी नेटालिटी के बारे में आपको बताया था मैंने नेटालिटी क्या होता है इट इज़ बर्थ रेट ठीक है तो नेटेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी से उसी तरह दूसरा टर्म जो हमने देखा था दैट इज़ मोर्टेलिटी मोटेलिटी को को हम डेथ रेट कहते हैं एंड उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से नेक्स्ट टर्म हमने देखा था ई माइग्रेशन ई माइग्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर किसी पॉपुलेशन से कोई परमानेंटली बाहर जा रहा है तो दैट इज़ कॉल ई माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई e से एंड नेक्स्ट हमने देखा था ई e माइग्रेशन डेट इज़ uh, अगर किसी पॉपुलेशन में कोई परमानेंटली अंदर आ रहा है तो दैट इज़ ई माइग्रेशन और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से यानी ये जो चारों टर्म है इनसे रिलेटेड हम लोगों को कुछ फॉर्मूला देखना है एंड ये सारे टर्म्स आगे बहुत ही यूज़ आएंगे हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल टॉपिक में समझ में आगे बात सो नटालिटी यानी बर्थ रेट के लिए हम क्या सिम्बॉल यूज़ करते हैं कैपिटल बी मोर्टालिटी यानी डेथ रेट के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ कैपिटल डी इमीग्रेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज कैपिटल ई इमाइग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल आई क्लियर बात अब इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनल पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के अगर फाइनल पॉपुलेशन या किसी स्पीसीज़ के फाइनल पॉपुलेशन को अगर हमें काउंट करना है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एंड फार्मूला है क्या ये जो आप देख रहे हैं ये डेटा है फाइनल पॉपुलेशन का एन ब्रैकेट में टी प्लस वन इज़ इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई अब ये है क्या इसे हम बता रहे हैं दिस इज़ फाइनल पॉपुलेशन एंड टी ये क्या है ये है इनिशियल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी इज़ एन इन टाइम टी एंड बी उस पॉपुलेशन में जो बर्थ हुआ है एंड ई माइग्रेशन दैट इज़ उस पॉपुलेशन में जो कम्प्लीटली आए हैं उसे हम प्लस करेंगे उस इनिशियल पॉपुलेशन में एंड इस इनिशियल पॉपुलेशन से जो बाहर गया है उसे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो बाहर क्या होगा जिनका डेथ हो जाएगा या अगर जो परमानेंटली बाहर हो जाएंगे उस पॉपुलेशन से क्लियर तो इस फार्मूले से हम फाइनल पॉपुलेशन किसी भी इंडिविजुअल का कैलकुलेट कर सकते हैं समझ में आ गई बात अब उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन क्या है कि अ पॉन्ड एक तालाब है जिसमें टोटल सिक्स थाउजेंड मेम्बर्स हैं किसके ब्लू ग्रीन एलगी के यानी ये जो सिक्स थाउजेंड आप नंबर देख रहे हैं वो इनिशियल पॉपुलेशन हो गया दैट इज़ एन वेयर प्रेजेंट एंड शोड नेटालिटी अब इस इनिशियल पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट हुआ है वो कितना है टेन परसेंट e ईमाइ्रेशन यानी कम परमानेंटली जो इस पॉपुलेशन में आए हैं दैट इज़ फाइव परसेंट डेथ रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट परमानेंटली बाहर जो गए हैं दैट इज़ इमीग्रेशन वो कितना है टेन परसेंट देन पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द फाइनल साइज ऑफ़ पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन का फाइनल साइज क्या है नेक्स्ट ईयर में अगले साल एंड व्हाट काइंड ऑफ़ एज रेशियो पिरामिड विल बी फाउंड और एज रेशियो पिरामिड क्या होगा इसका सो so, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना है इस पॉपुलेशन में कि व्हाट इज़ द इनिशियल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो इनिशियल डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की सिक्स थाउजेंड इस पॉपुलेशन में ऐड कितना हो रहा है तो ऐड होने के लिए सबसे पहला नेटेलिटी का देखेंगे नेटेलिटी कितना है टेन परसेंट तो सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हुआ सिक्स हंड्रेड फिर और क्या ऐड होगा जो इस पॉपुलेशन में हमेशा के लिए आ रहे हैं तो दैट इज़ इमाइ्रेशन ये कितना है फाइव परसेंट तो सिक्स थाउजेंड का फाइव परसेंट थ्री हंड्रेड तो अब इस पॉपुलेशन में कितने मेंबर हो गए सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड क्लियर अब इस पॉपुलेशन से कितने बाहर जाएंगे हमेशा के लिए तो सबसे पहला डेथ रेट देखेंगे डेथ रेट कितना है ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट है सिक्स थाउजेंड का तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड तो ट्वेल्व हंड्रेड माइनस करेंगे एंड आल्सो ई माइग्रेशन जो इस पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं तो उनका नंबर कितना है वो है टेन परसेंट तो सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट दैट इज़ सिक्स हंड्रेड तो टोटल अगर हम माइनस करें तो एटीन हंड्रेड इसमें से हम लोग माइनस करेंगे मतलब जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है थोड़ा देर पहले अगेन हम इसे यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये है फाइनल पॉपुलेशन फाइनल पॉपुलेशन के लिए ये हमने लिया इनिशियल डेंसिटी इसमें हमने ऐड किया बर्थ रेट प्लस इमाइ्रेशन यानी जितना नंबर ऑफ बर्थ हुआ है एंड जितना नंबर ऑफ़ पीपल इसमें एड हुए हैं हमेशा के लिए माइनस हमने इससे निकाल दिया डेथ जितने के हुए हैं एंड जो इस पॉपुलेशन से हमेशा के लिए बाहर गए हैं उनको हमने इस पॉपुलेशन से हटा दिया तो जो हमारा डेटा आया दैट इज़ ये हमने यहाँ मेंशन किया है सो so हमारा फाइनल जो डेटा आएगा दैट इज़ फिफ्टी वन हंड्रेड सो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो जो हमारा फाइनल पॉपुलेशन आया है दैट इज फिफ्टी वन हंड्रेड आफ्टर वन ईयर एक साल के बाद जो पॉपुलेशन था वो क्या हो गया इनिशियल पॉपुलेशन से कम हो गया ना इनिशियल पॉपुलेशन सिक्स थाउजेंड था अब क्या हो गया फिफ्टी वन हंड्रेड यानी पॉपुलेशन क्या हो रहा है कम हो रहा है डेक्लाइन हो रहा है तो जो पिरामिड होगा वो कौन सा होगा अन शेप हमने पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने ये डील किया था कि अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो कौन सा पिरामिड हो जाएगा ट्राइंगुलर अगर पॉपुलेशन स्टेबल है जितना पहले था उतना ही अब है तो बोलेंगे बेल शेप्ड अगर पॉपुलेशन घट गया तो उसे हम बोलेंगे अनशेप पॉपुलेशन समझ में आ गई बात तो जो हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक देखे उनसे रिलेटेड ये फॉर्मूला है जिससे हम पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में पता कर सकते हैं समझ में आ गई बात सो so, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में सबसे पहले हम लोग टर्म्स डिस्कस करते हैं सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें है दैट इज बायोटिक पोटेंशियल व्हाट इज़ बायोटिक पोटेंशियल समझते हैं इसको इससे पहले यहाँ मैंने ब्रैकेट में आपको दिखाया है इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से ठीक है व्हाट इज़ बायोटिक पोटेंशियल इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्पीसीज टू रिप्रोड्यूस एंड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन साइज मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो कि खत्म नहीं हो सकता कहने का मतलब स्पीसीज़ के बीच जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है क्या वो कभी ख़त्म हो सकती है नहीं हो सकती है तो ये जो प्रॉपर्टी है स्पीसीज का इसके कारण हमेशा क्या होगा पॉपुलेशन के साइज़ में इंक्रीमेंट होगा ना तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल मतलब वैसा स्पीसीज का प्रॉपर्टी जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और उसके कारण क्या हो रहा है पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल समझ में आगे बात फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी जो रोका नहीं जा सकता इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्पीसीज टू रीप्रोड्यूस

कहने का मतलब ये जो बायोटिक पोटेंशियल है यानी ये जो पॉपुलेशन के साइज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है इसे हम यानी रिप्रोडक्शन को हम रोक तो नहीं सकते बट इसे हम कम ज़रूर कर सकते हैं तो इसे हम बोलते हैं इन्वामेंटल रेसिस्टेंट मतलब वैसा रेसिस्टेंट जिसके कारण हम बायोटिक पोटेंशियल को कम कर सकते हैं लिमिट कर सकते हैं ताकि सर्वाइवल के चांसेस जितने भी स्पीसीज हैं उनके बढ़ जाएं तो दैट इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस अगेंस्ट बायोटिक पोटेंशियल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के माइनस एन बाई के जिसे हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ठीक है क्या बोल रहे हैं उसे हम कैरिंग कैपेसिटी फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी एबिलिटी ऑफ नेचर नेचर का एबिलिटी

ठीक है मतलब नेचर का वैसा क्षमता जिसके कारण वो लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को थ्रू ऑप्टिमम रिसोर्स कंडीशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ना आगे बात व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी अगेन आई एम रिपीटिंग एबिलिटी ऑफ नेचर नेचर का एबिलिटी टू सपोर्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ऑप्टिमम रिसोर्स कंडीशन ऑप्टिमम रिसोर्स कंडीशन कहने का मतलब वैसा रिसोर्स कंडीशन जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं यूज कर सकते हैं दैट इज़ ऑप्टिमम रिसोर्स कंडीशन खैर तो उस रिसोर्स कंडीशन पे लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना को ही हम क्या बोलते हैं इन्वा कैरिंग कैपेसिटी एंड दैट कैरिंग कैपेसिटी इज़ इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट स्वर्ण में बात फिर से समझ रहे हैं सबसे पहला बायोटिक पोटेंशियल मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसको आप रोक नहीं सकते उसके कारण पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है दैट इज रिप्रोडक्शन ठीक है एंड इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट अगेन बायोटिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी मतलब जितने को कैरी करने की कैपेसिटी है इन्वायरमेंट में उतने को ही कैरी करेगा और उसको जो भी रिसोर्स कंडीशन है उसी के अंतर्गत वो अच्छे से कैरी करेगा दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी समझ में आ गई बात अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दो तरह से होता है अभी देखते हैं हम लोग सो so, यहाँ हम लोग दो ग्राफ देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हम लोग दो ग्राफ देख रहे हैं वन इज़ जे शेप्ड एंड अनदर वन इज़ एस शेप्ट जे शेप्ड ग्रोथ कर्व में अगर हम देखें तो यहाँ अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए इस ग्राफ में हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है एंड वाई एक्सिस पे हमने पॉपुलेशन की डेंसिटी को रखा है क्लियर अगर इस ग्राफ में देखें तो इनिशियली आपको दिख रहा होगा लैग फेज लैग फेज वैसा फेज है जिस फेज में कोई भी इंडिविजुअल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट वहाँ वो डिवाइड नहीं कर सकता है क्लियर तो इनिशियली लैग फेज एंड देन जैसे ही वो डिवाइड करने लगेगा आप देख रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं लैग फेज और उसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जा रहा है क्रैश ठीक है तो ये जो कर्व है इसे हम बोल रहे हैं जे शेप जे शेप कर्व में आपको दो फेजेस मिल रहे हैं लैग फेज एंड लॉग फेज एंड एस फेज यानी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में अगर आए तो सेम आपने एक्स एक्सिस पे लिया टाइम एंड वाई एक्सिस पे लिया पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें देखिए इनिशियली लैग फेज आएगा लैग फेज तो आएगा ही बिकॉज सम पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियली क्या होते हैं जो स्पीसीज uh, होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनिशियली मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट डिवाइड नहीं कर सकते हैं देन उसके बाद जो फेज आता है उसे हम बोलते हैं लॉग फेज एंड यहाँ आप देख रहे हैं एक तीसरा फेज आ रहा है दैट इज़ स्टेशनरी फेज जहाँ पे रुक गया है पॉपुलेशन का डेंसिटी ठीक है लैग फेज में क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा बट स्टेशनरी फेज में क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेबल हो जाएगा अब इसे हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व कहने का मतलब होता है वैसा गो ग्रोथ कर्व जिसमें फर्स्ट पॉइंट रिसोर्स कंडीशन इज़ अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन है ऐसा नहीं है कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ कम है रिसोर्स का कंडीशन बहुत ज़्यादा है मतलब रिसोर्स अनलिमिटेड अवेलेबल है दूसरा यहाँ कोई इन्वामेंट रेसिस्टेंट नहीं है यानी कैरिंग कैपेसिटी इज नॉट एप्लीकेबल कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बायोटिक पोटेंशियल को रोकने के लिए इन्वायरमेंट रोकने के लिए नहीं बोल सकते कम करने के लिए इन्वायरमेंट में रेसिस्टेंस है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी से तो इस केस में कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल नहीं है ठीक है मतलब जे सेफ्ट ग्रोथ कर में पहला रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत है अनलिमिटेड रिसोर्स है लेकिन पॉपुलेशन को रोकने के लिए कम करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी कम करने के लिए कोई कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल नहीं है यहाँ फेजेस आपको कौन कौन से मिल रहे हैं पहला लैग फेज जिसमें इनिशियली जो ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवाइड नहीं कर रहे एंड देन लॉग फेज जिसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है फोर्थ पॉइंट दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट स्टेबलाइज इस तरह के पॉपुलेशन कभी स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए क्योंकि सारे ऑर्गेनिज़म के पास क्या है रिसोर्स की अवेलेबलिटी है बहुत सारे रिसोर्स हैं तो रिसोर्स अगर ज़्यादा है और पॉपुलेशन को रोका नहीं जा रहा है पॉपुलेशन को कम नहीं किया जा रहा है तो कंटिन्यूसली क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी कभी भी ये स्टेबल नहीं होगा पॉपुलेशन हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए प्रे स्पीसीज ग्रोइंग इन प्रिडेटर फ्री इन्वायरमेंट अलगल ब्लूम्स ठीक है जैसे अगर मान लीजिए प्रे स्पीसीज वैसे इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं जहां उनको फीड करने वाले प्रिडेटर्स नहीं है तो जो प्रे का स्पीसीज है उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा ना क्यों क्योंकि उनको फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म एन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है तो समझ में आ गई बात क्लियर तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है उसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं जे शेप्ड ग्रोथ कर्व इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो भी स्पीसीज है वो क्रीडेटर फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं तो जो प्रे स्पीसीज़ का नंबर है वो क्या हो रहा है बढ़े जा रहा है तो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगा क्रैश कर जाएगा इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा जे शेप्ड ग्रोथ कर्व यानी यहाँ पे इस शेप्ड ग्रोथ कर में रिसोर्स अनलिमिटेड है कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पे आपको दो फेज मिलेगा लैग फेज एंड लॉग फेज और इस पॉपुलेशन को हमें स्टेबल नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टेबल कब बोलते हैं जब जितना नंबर ऑफ़ बर्थ होता है उतना नंबर ऑफ डेथ होता है वैसा यहाँ नहीं हो रहा है क्लियर यहाँ पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है ठीक है अब इसे हम डिनोट करते हैं एक फार्मूला के थ्रू जे शेप्ड ग्रोथ कर्व के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ये क्या है डी एन बाई डी टी डी एन का मतलब क्या होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं डी एन से एंड चेंज इन टाइम को हम डिनोट करते हैं डी टी से ठीक है और इसको हमने लिखा है इज इक्वल टू बी माइनस डी इन टू एन ठीक है बी माइनस डी यानी चेंज इन पॉपुलेशन कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं या या कम हो रहे हैं उसे हम डिनोट कर रहे हैं बी माइनस डी दैट इज़ आर ठीक है एंड देन हो जाएगा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन यही जो आर है ये क्या है बायोटिक पोटेंशियल मतलब कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐड हो रहे हैं यानी आर को हम बोलते हैं इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ नेचुरली यहाँ हम ना इमाइग्रेशन ना इमीग्रेशन का यूज़ करें यहाँ हम सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट की बात कर रहे हैं सो बी माइनस डी इज इक्वल टू आर हम लोग ऐसा मानते हैं एंड आर इज़ इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़ नेचुरल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है किसी पॉपुलेशन में इसे हम डिनोट करते हैं से सो जे शेप्ड के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन डी एन का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विच मीन्स चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी डी टी का मतलब चेंज इन टाइम एंड आर इज़ बायोटिक पोटेंशियल एंड एन तो हमें पता ही था एन क्या होता है इनिशियल डेंसिटी एन इज इनिशियल डेंसिटी समझ में आगे बात अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एस शेप्ड यानी शिगमॉइड ग्रोथ कर सिगमोइड ग्रोथ कर्व में भी हमने एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी लिया है सो so, अगर यहाँ देखा जाए तो रिसोर्स का जो कंडीशन है वो लिमिटेड है मतलब रिसोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो ज़रा सोचिए अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो हमें पॉपुलेशन को कम करना होगा अगर पॉपुलेशन हम नहीं करेंगे कम तो क्या होगा जो इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल स्पीसीज़ हैं वो क्या हो जाएंगे रिसोर्स की अन अवेलेबिलिटी के कारण ख़त्म हो जाएंगे इसीलिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे कैरिंग कैपेसिटी तो यहाँ कैरिंग कैपेसिटी एप्लीकेबल होगा मतलब इन्वामेंटल रेसिस्टेंस की ज़रूरत है ताकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्या रहे स्टेबल रहे समझ में आई बात तो इसमें आपको तीन फेजेस मिलेंगे कौन कौन सा फर्स्ट वन इज़ लैग फेज ये दोनों में होगा लैग फेज मतलब वैसा फेज जिसमें कोई भी स्पीसीज मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट डिवाइड नहीं करता है दूसरा लैग फेज जिसमें अचानक से पॉपुलेशन बढ़ता है जो कि हमारा डिवाइडिंग फेज है एंड तीसरा स्टेशनरी फेज जिसमें क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाएगा मतलब उस टाइम पे जितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे होंगे उतने नंबर ऑफ डेथ हो रहे होंगे ठीक है तो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन फाइनली स्टेबलाइज तो इस टाइप ऑफ़ पॉपुलेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है फाइनली क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है ऐसा नहीं होता है कि ये क्रैश हो जाए या पॉपुलेशन में कम होने लगे यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा स्टेबलाइज हो जाएगा फाइनली क्यों क्योंकि यहाँ हमने यूज़ किया है कैरिंग कैपेसिटी समझ आ गई बात क्लियर फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ स्पीसीज ग्रोइंग इन नेचुरल मैट मतलब हम लोग जो नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं ज़्यादातर स्पीसीज़ कौन से इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर मतलब अगर हम अपने बारे में या नॉर्मल के नॉर्मल स्पीसीज़ के बारे में बात करेंगे तो कौन सा कर्व लेंगे सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व अगर बैक्टीरिया या प्रेडेटर फ्री इन्वायरमेंट के बारे में अगर आपको बोला जा रहा है तो दैट इज़ तब हम वहाँ यूज़ करेंगे जे शेप्ड ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला सो एस सेफ्ट यानी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के लिए जो हम फॉर्मूला लेते हैं दैट इज़ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इंटू के माइनस एन बाई के यहाँ हमने बस एक ऐड कर दिया है कैरिंग कैपेसिटी क्लियर क्योंकि यहाँ हम कैरिंग कैपेसिटी को अप्लाई कर रहे हैं तभी पॉपुलेशन क्या हो रहा है स्टेबल हो रहा है समझ आई बात सो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन सिर्फ ये वाला अगर रहे तो ये आपका जे शेप्ड के लिए अप्लाई होगा एंड डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इन टू के माइनस एन बाई के ब्रैकेट के अंदर तो इसे हम बोलेंगे सिग्मॉइड ग्रोथ कर समझ में आ गई बात क्लियर अब अभी जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तभी हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सो so, यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि इन अ ग्रास ग्रास लैंड टोटल फाइव थाउजेंड मेम्बर ऑफ ग्रास वेयर प्रजेंट इन टू थाउजेंड वन दो हज़ार एक में कितने ग्रास प्रजेंट थे पाँच हज़ार विच बिकम सिक्स थाउजेंड इन टू थाउजेंड फोर दो हज़ार चार में क्या हो गया वो छः हज़ार हो गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर तो आर की वैल्यू आपको पता करनी है अब ये जो है ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2001 में 5000 मेंबर थे ग्रास के एंड 2004 में यानी तीन साल बाद कितने हैं है? 6000 हज़ार सो आर क्या है मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है नेचुरल इंक्रीमेंट कितना है तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं डी एन बाई डी टी इज़ इक्वल टू आर एन ठीक है फिर से यहाँ समझा दे रहे डी एन क्या है इंक्रीज़ या डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 2001 में 5000 था और 2004 में कितना हो गया 6000 यानी पॉपुलेशन में चेंज कितना आया है 1000 का यानी 1000 बढ़ा है अगर यहाँ अगर हम 6000 की जगह 4000 लिख देते तो यहाँ क्या होगा 1000 घटेगा क्लियर सो यहाँ पे 5000 है और 2004 में कितना हो रहा है 6000 यानी 1000 बढ़ रहा है तो 1000 हज़ार इज़ डी एन क्लियर अब आते हैं डी टी डी टी क्या है डी टी इज चेंज इन टाइम कितना ड्यूरेशन में हम ये देख रहे हैं चेंज 2001 से 2004 टाइम कितना हो गया तीन साल चेंज इन टाइम अब आर हमें कैलकुलेट करना है आर व्हाट इज़ आर इट इज़ इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज नेचुरली कितना इंक्रीज कर रहे हैं दैट इज़ आर एन जो होता है व्हाट इज़ एन पहले भी हमने बताया है एन इज इनिशियल डेंसिटी क्लियर सो अब हम इस ये जो फार्मूला हमने लिखा है इस फार्मूले पे अब हम लोग डील करते हैं क्वेश्चन तो डी एन मतलब क्या चेंज इन पॉपुलेशन तो सिक्स थाउजेंड माइनस फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड बाय चेंज इन टाइम तीन साल का गैप है इज इक्वल टू आर एन आर हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ एन इनिशियल पॉपुलेशन क्या था फ़ाइव थाउजेंड सो अब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन थाउजेंड बाय थ्री इज इक्वल टू आर इन टू 5000 तो फाइनली जो आर का डेटा आएगा वो क्या आएगा 0.06 समझ आ गई बात ठीक है तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉपुलेशन के आर को मेज़र कर सकते हैं यानी इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं लेटस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है उसमें हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा था दो तरह का जे शिफ्ट और सिग्मोइड ठीक है तो यहाँ कैरिंग कैपेसिटी यूज़ हो नहीं रहा है तो कैरिंग कैपेसिटी जहाँ यूज़ होगा वहाँ हम के माइनस एन बाई के वाला फॉर्मूला ऐड करेंगे ठीक है सो so, यहाँ भी क्वेश्चन में क्या है पॉपुलेशन साइज इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड बिकम्स डबल इन थ्री ईयर तीन साल में क्या हो गया डबल हो गया यानी चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो कितना हो गया डबल यानी इनिशियली मान लीजिए क्या था एन था तो अब क्या हो गया है टू एन हो गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया ठीक है ठीके? और चेंज इन टाइम यहाँ मैंशनड है चेंज इन टाइम कितना है तीन साल यानी टू एन माइनस एन बाई थ्री इज़ इक्वल टू आर एन तो आर कैलकुलेट करने के लिए दिया है तो यहाँ से हम लोग आर कैलकुलेट किए तो हमारा डेटा कितना है जीरो पॉइंट थ्री थ्री समझ में आई बात कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के फॉर्मूले से हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फॉर इंडियन पॉपुलेशन नाइनटीन एटी वन में क्या था आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो टू ज़ीरो फाइव ठीक है और इन टू थाउजेंड टू आर क्या हो गया जीरो पॉइंट ज़ीरो वन सेवन सिक्स अगर आप देखें डेटा तो कम हो गया ना ठीक है तो ये सब जो कैलकुलेट किया गया है ये इसी फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया गया है ठीक है अब एक चीज़ और याद रखिएगा बुक में अगर आप देखिए तो बुक में ये सब भी मैंशनड है ये क्या है ये आपको समझा दें डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन हम लोग ये पढ़ते हैं इसका इंटीग्रल फॉर्म हम लोग इस तरह से लिखते हैं दैट इज़ एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू आर टी ठीक है एंड इट इज़ बेस ऑफ लॉग टू पॉइंट सेवन वन इसका वैल्यू है ठीक है तो ये इंटीग्रल फॉर्म है ये अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है ठीक है एन सी आर टी में जो जो कुछ भी हमने पढ़ा है अभी तक एन सी आर टी में ये पेज नंबर दो सौ छब्बीस से लेकर के पेज नंबर दो सौ तीस दो सौ इकतीस तक अगर आप पढ़िएगा तो आपको सारे के सारे जो भी जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो सब आपको मिल जाएगा क्लियर So, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है इंटरेक्शन मतलब क्या एक दूसरे से जुड़ना इंटरेक्ट करना दैट इज़ पॉपुलेशन इंटरेक्शन सो अलग अलग तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारे इन्वॉर्मेंट में देखने को मिलता है अब उसे हम समझते हैं सबसे पहला है मूचुअलिज़म मूचुअलिज्म में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ प्लस और प्लस का सिम्बल दिया है अगर आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा नीट के प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा उसे सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली कभी कभी म्यूचुअलिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दे देता है प्लस 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 माइनस 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 सो ये सिंबल याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस मतलब यहाँ हम समझेंगे फ़ायदा होना ठीक है प्लस मतलब क्या होना फ़ायदा होना सो so, म्यूचुअलिज्म में अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म समझते हैं इसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस कहने का मतलब ओब्लीगेट्री एंड परमानेंट एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर ओब्लीगेट्री कहने का मतलब परमानेंट एसोसिएशन दो स्पीसीज के बीच का जिसके कारण दोनों ही स्पीसीज को क्या हो रहा है फायदा हो रहा है तो दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म और सिम्बाइसिस मतलब इसमें क्या हो रहा है दो स्पीसीज जो एक दूसरे के साथ हैं एसोसिएटेड हैं हमेशा के लिए और दोनों को इस एसोसिएशन से फ़ायदा हो रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि एक को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है दोनों ही स्पीसीज को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है तो दैट इज समझ में आई बात सो फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस माइकोराइजा का एसोसिएशन प्लांट और पॉलीनेटर का एसोसिएशन जैसे प्लांट और पॉलीनेटर कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम बी की बात करें बी सब लोग जानते होंगे बी मधुमक्खी तो बी क्या करता है प्लांट के पास आता है नेक्टर के लिए ठीक है और नेक्टर वो ले लेता है उसका न्यूट्रिशन नेक्टर से पूरा हो गया और प्लांट को वो क्या फ़ायदा देता है प्लांट में वो पॉलिनेशन कराता है तो पॉलिनेशन हो गया प्लांट के लिए और बी के लिए क्या हो गया न्यूट्रिशन हो गया तो इससे क्या हुआ दोनों को फायदा हुआ तो इस प्रोसेस को हम इस इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म समझ में आ गई बात ठीक है नेक्स्ट जो आता है म्यूचुअलिज्म के बाद उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्पोरेशन प्रोटोकॉर्पोरेशन को भी हम लोग डिनोट करते हैं प्लस प्लस से ठीक है टिक बर्ड एंड अरना सेरस इज द एग्जाम्पल ठीक है या अनदर एग्जाम्पल इट बर्ड्स ऑन बैक ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इसमें क्या हो रहा है ये नॉन ऑब्लीगेट्री एंड टेम्प्ररी एसोसिएशन है मतलब ये हमेशा के लिए नहीं कभी कभी होता है नॉन ऑब्लीगेट्री है एंड टेम्पररी एसोसिएशन है इन विच बोथ आर बेनिफिटेड जिसमें दोनों का फायदा होता है मूचुअलिज्म और प्रोटोकॉर्पोरेशन एक दूसरे से अलग कैसे हैं इसमें क्या होगा कि दोनों ही स्पीशीज हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे एसोसिएटेड होंगे और दोनों को फ़ायदा होगा बट प्रोटो कॉरपोरेशन में अगर बात करें तो ये हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे और इनका एसोसिएशन में भी दोनों को फ़ायदा हो रहा है बट यहाँ जो एसोसिएशन है वो कैसा है टेम्पररी ठीक है समझ में आ गई बात जैसे बर्ड्स ऑन बैक ऑफ ग्रेजिंग कैटल एंड टिक बॉड एन राइना सो नेक्स्ट जो अब एसोसिएशन है यानी पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है उसे हम बोलते हैं कॉमेंसेलिजम कॉमनसेलिजम में आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग जो सिंबल यूज कर रहे हैं एक प्लस है और दूसरा ज़ीरो है मतलब एक को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरा अनएफेक्टेड ना ही उसको फ़ायदा हो रहा है ना ही उसको नुकसान हो रहा है अभी हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे सबके एग्जाम्पल को डिटेल में एक एक करके हम लोग समझेंगे क्लियर सो कॉमेंसलिज़म में क्या हो रहा है कि वन स्पीसीज़ इज़ बेनिफिटेड एक स्पीसीज को फ़ायदा है और अदर रिमेन अनएफेक्टेड दूसरा जो है वो कैसे रह रहा है अनएफेक्टेड रह रहा है मतलब ना ही उसको कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई उसको नुकसान हो रहा है तो ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं कॉमेंसीलिजम फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंशनड है लाइनस वुडी क्लाइंबर बहूनिया टैनोसपोरा एक्सेट्रा दूसरा है कैटल अग्रेड बर्ड एंड ग्रेजिंग कैटल तीसरा बर्नेकल ऑन बैक ऑफ वेल ये सारे एग्जाम्पल को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पहले हम सारा का सारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन इस लेक्चर में समझ लेते हैं ठीक है फिर हम लोग एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में समझेंगे तो यहाँ कॉमेंसेलिज्म में हम क्या देख रहे हैं एक स्पीसीज़ को फ़ायदा है तो दूसरे स्पीसीज़ को ना फायदा है ना नुकसान है यानी एक दो, दोनों के दोनों स्पीसीज़ में एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है और एक स्पीसीज़ को ना ही फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है तो इस तरह का अगर इंट्रैक्शन आपको देखने को मिला तो इज़ कॉल्ड कॉमेंसेलिज्म क्लियर है बात ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म आप लोग पहले भी पढ़े होंगे पैरासिटिज्म में एक को क्या होता है फ़ायदा होता है यानी एक के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं तो दूसरे के लिए माइनस यानी दूसरे को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है तो अगर ऐसा एसोसिएशन आपको देखने को मिले तो इसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म ठीक है बट इज़ पैरासिटिज्म वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ हार्म एक को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है इस तरह का अगर एसोसिएशन है तो इसे हम बोलते हैं पैरासिटिज्म इसमें क्या होता है होस्ट एंड पैरासाइट के बीच एसोसिएशन होता है जो पैरासिटिज्म है ये दो टाइप का देखने को मिलता है दो नहीं सॉरी तीन टाइप का वन इज़ इक्टो पैरासाइट अनदर वन इज़ इंडो पैरासाइट एंड तीसरा ब्रूड पैरासाइट इक्टो पैरासाइट जैसे लीच स्टिक्स लाइसेज एक्सेट्रा वैसा पैरासाइट जो एक्सटर्नल होस्ट एक्सटर्नल होस्ट ऑर्गेनिज्म और पैरासट्स के बीच हो इनो पारासाइट जो इंटरनली होस्ट ऑर्गेनिज्म के बीच और uh, पैरासाइट्स के बीच हो रहा है एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम लिस्मानिया एक्सेट्रा एंड रूड पारासाइट कुकूज लेस देयर एग इन देयर इन इन नेस्ट ऑफ क्रो जैसे जो कोयल होता है वो कौए के नेस्ट में अपने एग को डाल देता है फॉर नरिशमेंट इसे हम बोलते हैं ब्रूड पैरासाइट यानी पैरासिटिज्म भी तीन टाइप का होता है इक्टो पैरासाइट इंडो पैरासाइट एंड ब्रूड पैरासाइट ठीक है पैरासाइट में क्या होगा एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा क्लियर है पॉइंट अब नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज प्रिडेशन प्रिडेशन भी एक तरह का एसोसिएशन है प्रिडेशन क्या होता है प्रिडेशन में एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान होता है यहाँ भी प्लस और माइनस यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिडेटर एंड प्रे एसोसिएशन मतलब एक प्रिडेटर जिसको शिकार करना है और प्रे हम किसे बोलते हैं जिसका शिकार होता है उसे हम प्रे स्पीसीज़ बोलेंगे प्रिडेटर जो शिकार कर रहा है एंड प्रे जिसका शिकार होना है तो प्रिडेटर किल देयर प्रे टू ऑपटे नरिशमेंट प्रिडेटर क्या करता है इस केस में मार देता है प्रे स्पीसीज को अपने न्यूट्रिशन के लिए सो अब यहाँ भी एक पॉइंट ये आ जाएगा कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन तो डिफरेंस ये है कि पैरासिटिज्म के केस में वो अपने होस्ट को किल नहीं करता है लेकिन प्रेडेशन के केस में क्या हो रहा है प्रेडेटर अपने प्रे को किल कर देगा मार देगा तो वहाँ पे निगेटिव हो रहा है ना क्लियर सो so, दोनों में ही हम प्लस और माइनस का साइन यूज़ करेंगे बट यहाँ हम लोग ये ज़रूर देखेंगे कि, कि किस केस में कंप्लीटली मार दे रहा है होस्ट ऑर्गेनिज्म को और किस केस में नहीं मार रहा है अगर नहीं मार रहा है तो पैरासिटिज्म अगर किल कर दे रहा है तो ट्रेडिशन तो दीज आर द सम एसोसिएशन्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे ठीक है इसमें सबसे पहला हमने क्या देखा मूचुअलिज्म सिम्बायोसिस जिसमें दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा होगा दूसरा हमने क्या देखा प्रोटोकॉर्पोरेशन uh, उसमें भी दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है बट ये कुछ समय के लिए हमेशा के लिए नहीं है मूचुअलिजम क्या है हमेशा के लिए है ठीक है तीसरा हमने कॉमनसेलिज़म देखा जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरा जो स्पीसीज है वो जो है वो अनएफेक्टेड है विच मीन्स ना ही उसको कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही उसको कोई नुकसान हो रहा है तीसरा हमने देखा चौथा हमने देखा पैरासिटिज्म जिसमें वन इज़ बेनिफिटेड और दूसरा क्या हो रहा है हार्म हो रहा है बट किल उसका नहीं हो रहा है ठीक है एंड अनदर वन इज़ प्रिडेशन जिसमें प्रिडेटर किल कर रहा है किसको को प्रेस पिसीज़ को अपने नरिशमेंट के लिए समझ में आ गई बात अब यहाँ हम कुछ नोट्स नोट को देखते हैं नोट विच मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट इज़ कि हार्वी वो आर प्रिडेटर फॉर प्लांट्स हार्वी वोड्स प्लांट के लिए कैसा काम करते हैं प्रीडेटर का ट्वेंटी फाइव परसेंट इंसेक्ट्स आर फाइटो फैगस ठीक है दूसरा पॉइंट प्रीडेटर्स मेंटेन प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल अगर किसी पॉपुलेशन में क्रिडेटर ना हो क्रेडिटर फ्री इन्वायरमेंट हो तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा जे शेप्ड कर्व हो जाएगा यानी पॉपुलेशन एक टाइम के बाद क्रैश कर जाएगा ठीक है तो इसीलिए प्रे पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे अंडर कंट्रोल रहे तो इसके लिए प्रिडेटर क्या करता है हेल्प भी करता है यानी प्रिडेटर मेंटेन्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल ये डिटेल में आगे और हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से प्रिडेटर फायदेमंद भी है और नुकसान भी है ठीक है नेक्स्ट है सर्टेन एक्जॉटिक स्पीसीज़ व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू हैबिटेट अगर कुछ नया स्पीसीज़ अचानक से एक नए इन्वायरमेंट में नए हैबिटेट में ऐड कर दिया जाए सोज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन और वो क्या करेगा उस पॉपुलेशन में तेजी से बढ़ने लगेगा ड्यू टू लैक ऑफ देयर नेचुरल प्रेडिटर तो उनका जो नेचुरल प्रेडिटर वहाँ नहीं है इस कारण से समझ में ही बात जैसे मान लीजिए कोई स्पीसीज़ किसी और इन्वायरमेंट का था अचानक से वो एक नए इन्वायरमेंट में आ गया अब उस इन्वायरमेंट में जो उसको खाता था यानी जो उसको किल करता था वो नए इन्वायरमेंट में नहीं प्रेजेंट है तो नए इन्वायरमेंट में क्या होगा जो नया स्पीसीज़ आया है उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा समझ बात सो so, ये पॉइंट यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहा है कि सर्टेन एग्जॉटिक स्पीसीज अगर इंट्रोड्यूस किया जाए नए हैबिटेट में तो उसका इंक्रीज क्या होगा काफ़ी तेजी से होगा क्यों क्योंकि उसका नेचुरल प्रिडिटर वहाँ मौजूद नहीं है एग्ज़ाम्पल प्रिकली पियर कैक्टस यानी ओपन्शिया को जब इंट्रोड्यूस किया गया वेन इंट्रोड्यूसड इन ऑस्ट्रेलिया कब नाइनटीन में क्रिएटेड हैवक सो देयर नेचुरल प्रिडेटर मौत जो इसका नेचुरल प्रिडेटर क्या है मौत था वेअर इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल देम तब वहाँ पे क्या किया गया जो उसका नेचुरल प्रोड्यूटर था मौत उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इसका पॉपुलेशन वहाँ क्या हो जाए कम हो जाए समझ में आ रही है बात ठीक है तो अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है तो आपको वहाँ प्रिडेटर को रखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट इज़ कि द प्रिडेटर प्रिवेंट्स एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीसी प्रे स्पीसीज के एक्सटेंशन यानी बढ़ने से उसको क्या करता है बचाता है थ्रू कैसे मिनिमाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कंपटीशन जो हो रहा था उसके इंटेंसिटी को कम करके एंड मेंटेन्स बायोडाइवर्सिटी सो प्रिडेटर आर प्रोडेंट इन नेचर अब इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझेंगे उससे पहले हम लोग कंपटीशन के बारे में समझते हैं कि कंपटीशन क्या है सो व्हाट इज कंपटीशन इसको हम यहाँ समझते हैं कंपटीशन होता क्या है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी नए इन्वायरमेंट में प्रे स्पीसीज चला गया ठीक है वहाँ पर उसका नेचुरल प्रेडेटर प्रजेंट नहीं है तो क्या होगा प्रे स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ेगा अब प्रे स्पीसीज़ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सारे के सारे प्रे स्पीसी का जो फीडिंग हैबिट होगा सब सेम होगा ठीक है तो फीडिंग हैबिट अगर सेम है तो सारे के सारे स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए आपस में एक दूसरे के साथ ही क्या करेंगे कम्पीट करेंगे है कि नहीं तो एक दूसरे के साथ ही अगर कम्पीट कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच क्या बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्रीडेटर को अगर आप डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा प्रिडेटर क्या करेगा प्रे स्पीसी को किल करने लगेगा तो प्रिडेटर प्रेस पीसीस को किल करने लगेगा तो कंपटीशन उससे क्या हो गया कम हो गया सो so यही बात यहाँ लिखा गया है कि प्रिडेटर प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ प्रे स्पीसी थ्रू मिनिमाइजिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एंड मेंटेन बायो डाइवर्सिटी सो so प्रिडेटर आर प्रोडेंट इन नेचर समझ में आ गई बात अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन इंट्रेक्शन में नेक्स्ट आ जाता है कंपटीशन क्या आ जाता है कंपटीशन कंपटीशन क्या होता है बोथ कंपेटिंग स्पीसीज़ आर हार्म कंपटीशन में दोनों ही स्पीसीज़ को क्या हो रहा है हार्म हो रहा है कंपटीशन के बारे में अभी थोड़ा देर पहले भी समझाएँ क्या होता है कि अगर सेम रिसोर्स के लिए कोई दो ऑर्गेनिज्म कंपीट कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं तो उसे कंपटीशन बोलते हैं फॉर एग्जांपल कंपटीशन फॉर जू प्लैंकटॉन्स बिटवीन रेसिडेंट फीस एंड विजिटिंग फ्लैमिंगो बर्ड मतलब ये दोनों के दोनों स्पीसीज जू प्लैंकटॉन के लिए ही क्या कर रहे थे कंपीट कर रहे थे तो इसमें दोनों ही स्पीसीज़ को क्या हो रहा है हार्म हो रहा है इसीलिए यहाँ जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ माइनस और माइनस यहाँ कोई को फ़ायदा नहीं हो रहा है ना ही कोई अनएफेक्टेड है यहाँ क्या हो रहा है दोनों ही स्पीसीज़ को नुकसान हो रहा है इसीलिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सिम्बॉल निगेटिव निगेटिव का ठीक है इसके बाद गाउस ने कुछ प्रिंसिपल दिया था क्या था गाउस का प्रिंसिपल देखते हैं गाउज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्पटिटिव एक्सक्लूज़न मतलब टू और मोर स्पीसीज कंपेटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट मतलब दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज अगर एक ही रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं तो वो दोनों के दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं एक साथ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते को एग्जिस्ट मतलब क्या एक साथ एग्जिस्ट नहीं करना बिकॉज इन्फीरियर स्पीसीज़ विल भी एलिमिनेटेड क्यों ऐसा क्यों तो दोनों में होगा क्या कि जो इस्पीसीज़ थोड़ा वीक होगा वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा सर so, नई बात यानी अगर मान लीजिए जैसे हम नीट एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नीट एग्ज़ाम के लिए आप क्या कर रहे हैं दो बच्चे मान लीजिए नीट एग्ज़ाम के लिए कंपीट कर रहे हैं और दोनों बच्चे सेम एक कॉलेज है मान लीजिए कॉलेज कितना अवेलेबल है एक और दो बच्चे अपियर हो रहे हैं तो वो दोनों बच्चे उस एक कॉलेज के लिए ही कंपीट कर रहे हैं तो दोनों बच्चों में कॉलेज तो एक ही को मिलेगा जो क्या होगा ज्यादा मेहनत कर रहा होगा क्लियर तो और जो दूसरा वाला जो कम मेहनत कर रहा है कम एफर्ट लगा रहा है वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है सो so, यही बोला गया है गाउस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि टू और मोर स्पीसीज कंपेटिंग फॉर दि सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के दोनों को सेम एक कॉलेज मिल जाए कॉलेज तो एक ही है एक ही को मिलना है ठीक है कॉलेज इन देंस सीट एक है एक ही को मिलना है दोनों में से किसी एक को मिलेगा ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के दोनों को मिल जाएगा क्लियर सो so, एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे जो थोड़ा कम मेहनत कर रहा है वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा समझ आ गई बात ठीक है अब यहाँ फिर से देख लेते को एग्जिस्टेंस का मतलब कंपेटिंग स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट थ्रू पार्टीशन ऑफ रिसोर्स हाँ अगर रिसोर्स को आधा आधा बांट दिया जाए मान लीजिए जा एक खाना है तो एक रोटी है और दो लोगों को खाना है तो दो लोगों को अगर खाना है तो उसको हाफ हाफ आप दे दीजिए दोनों दोनों को तो वो उस केस में को एग्जिस्ट कर सकते हैं बट ये रेयरली होता है ठीक है ना? सो so, गाउस प्रिंसिपल के हिसाब से बोला ये गया है कि दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज अगर सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं होगा क्या इसमें ज़्यादातर केसेस में, केसे में इंफीरियर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड क्लियर सो so, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपटीशन कंपटीशन के भी दो टाइप हैं वन इज़ इंटरफेरेंस कंपटीशन एंड अनदर वन इज कम्पिटेटिव रिलीज ठीक है पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ इंटरफेरेंस कंपटीशन इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज रिड्यूसेस फिटनेस ऑफ इन्फेरियर स्पीसीज मतलब अगर इन्वॉर्मेंट में सुपीरियर स्पीसीज जैसे क्लास में जो सबसे तेज बच्चा है बहुत सारे तेज़ बच्चे अगर प्रेजेंट है क्लास में सो so, तो उनसे जो कम कम यानी कहने का मतलब जो उनसे थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे तो प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज रिड्यूस फ़िटनेस ऑफ इन्फीरियर स्पीसीज़ उनसे क्या होता है अगर क्लास में तेज़ बच्चे हैं और क्लास में एवरेज स्टूडेंट है क्लास में लो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो क्या होता है कि जो एवरेज या लो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो फिट नहीं होते हैं क्लास में बिकॉज क्लास में बहुत ज़्यादा अगर तेज़ बच्चे हैं तो क्या होता है कि उन उनको ऐसा लगता है कि कि टीचर्स तेज़ बच्चों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए हमारा नंबर नहीं आ रहा है बट ऐसा नहीं होता है इसीलिए क्या होता है अलग अलग बैचेस बनाए जाते हैं ताकि जो एवरेज स्टूडेंट हैं हम लोग उनके लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाएँ और उनको हायर लेवल पर लाएँ क्लियर सो यहाँ भी हम लोग अगर उसी हिसाब से सोचें तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब क्या है प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज सुपीरियर स्पीसीज़ के प्रेजेंट होने के कारण जो फिटनेस होता है इन्फीरियर स्पीसीज का वो अपने आप कम हो जाता है ठीक है दूसरा आता है कंपटेटिव रिलीज़ इसमें क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्नल एलिगेंट फील एक्सपेरिमेंट ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया गया है प्रूफ किया गया है कि अगर आप सुपीरियर स्पीसीज को यानी तेज स्टूडेंट्स को आप रिमूव कर दीजिए उनको एक अलग बैच में डाल दीजिए और एवरेज स्टूडेंट्स का एक अलग बैच बना दीजिए लो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का अलग बैच बना दीजिए तो क्या होगा अचानक से फ़िटनेस जो है इन्फीरियर स्पीसीज का वो बढ़ जाएगा अब उनको लगेगा कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं सो so, यही होता है रीज़न कि क्या हो रहा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ़ सुपीरियर स्पीसीज़ टू तो इंक्रीज़ द फिटनेस ऑफ इन्फीरियर ऐसा क्यों किया जाता है स्पेशल बैचेस या कोई भी बैचेस क्यों बनाए जाते हैं ताकि वि जो स्टूडेंट्स हैं उनका फिटनेस बढ़ सके समझ में आई बात तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपटीशन ठीक है तो कंपटीशन दो तरह का इंटरफेरेंस और कॉम्पिटिटिव रिलीज आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है उसे हम बोलते हैं एमनसेलिज्म क्या बोलते हैं एमनसेलिजम यह हम देख रहे हैं एक निगेटिव और दूसरा ज़ीरो यानी अनएफेक्टेड एक को नुकसान हो रहा है और दूसरा क्या है अनएफेक्टेड ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है इसमें क्या होगा वन स्पीसीज़ रिमेन अनएफेक्टेड एंड अदर इज़ हार्म एक स्पीसीज़ अनएफेक्टेड रहेगा और दूसरे को क्या होगा हार्म होगा अभी से एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम्पल जो यहाँ है दैट इज़ एंटीबायोसिस एंटीबायोसिस क्या करता है सिक्रीशन ऑफ पेनीसिल बाय पेनीसीम पेनीसीयम से पेनीलिन का सिक्रेशन है उसके कारण होता क्या है डेथ ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है बट यहाँ पेनीलियम को कोई नुकसान नहीं हुआ है ठीक है तो ये जो है इसे हम क्या बोल रहे हैं एमेंसीज़म नेक्स्ट एग्जांपल इज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन बाई ब्लू ग्रीन एल्गी किल वाटर बॉडीज़ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या सिक्रियट करता है हाइड्रोक्सिल अमीन वाटर बॉडीज़ को वो किल कर देता है बट इससे ब्लू ग्रीन एलगी को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ ठीक है तो ये जो है इसे हम बोलते हैं एमेंसेलिजम दूसरा इसमें आ जाता है एलिलोपैथी एलिलोपैथी क्या होता है सिक्रीशन ऑफ ट्रांस अनैमिक एसिड बाय पार्थेनियम यानी विड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट ठीक है ना कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांस एनेमिक एसिड जो कि किससे सिक्रीट हो रहा है विड से यानी छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं विड्स तो वो क्या सीक्रेट कर रहा है ट्रांसैनेविक ऐसे जिसके कारण जो क्रॉप प्लांट है उनका ग्रोथ रुक जाता है ठीक है तो इससे क्रॉप प्लांट को हार्म हुआ बट विड को कोई हार्म हुआ नहीं हार्म हुआ ना तो ये जो है इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं एमेंसेलिजम समझ में गई बात सो आज के लेक्चर में हमने पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के बारे में बात की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व्स देखा उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए ठीक है इन एग्ज़ाम्पल्स को एक बार आप ख़ुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा ठीक है एंड uh, हमने आगे इसके क्या पढ़ा अलग अलग पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा अब इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही डील करेंगे ठीक है ना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ लेक्चर Stay home, stay safe. Thank you.